स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ईसीआईएल यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए यहां पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई 2024-25 सेशन के लिए। इसके ऑनलाइन फॉर्म इन्वाइट किए गए, आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म भरने की जो डेट है वो है यहाँ पर 13 सितम्बर से लेकर 29 सितम्बर यानी 29th of September 2024 तक आप लोगों को इसका फॉर्म कंप्लीट करना है। डीवी का भी डेट पहले से दे दिया गया, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में आपका डीवी होगा। एंड जो आपकी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक पूरी कर ली जाएगी। और 1 नवंबर 2024 से आपका जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसका एक डिटेल वीडियो अगर आप फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा, आपको उसका एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। आइए उसके पहले डिटेल में एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे, क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड साथ में चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा मिलती रहे पढ़ाई के साथ साथ। और टेक स्टडी आईटी टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे हम इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर देंगे। यह ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसको हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जाके इस पर फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। बाकी फॉर्म फिलअप का वीडियो आपको मोबाइल फ़ोन से मिल जाएगा कैसे फॉर्म भरना है। अब डिटेल नोटिफिकेशन में अगर देखें यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही हो जाती है क्योंकि ये वैकेंसी हैदराबाद की है, तो अक्सर हमने देखा जो हैदराबाद की भर्ती आती है उसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो नीचे नोटिफिकेशन में भी वो चीज़ अभी देखेंगे, बट उसके पहले आप वैकेंसी देख लीजिए। टोटल यहाँ पे 10 ट्रेड हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, आरएसी, टर्नर, मशीनिस्ट, मशीनिस्ट ग्राइंडर, कोपा वेल्डर एंड पेंटर। नंबर ऑफ वैकेंसी का काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा, कुल पोस्ट है 437, जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। तो आइए सबसे पहले नीचे देख लेते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखते हैं हाउ टू अप्लाई में देखिए पहली लाइन लिखी हुई है, कैंडिडेट्स रिजाइडिंग इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना स्टेट ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये चीज़ इनको शुरू में लिखनी चाहिए नोटिफिकेशन के, बट यहाँ बीच में लिखते हैं, बीच का एकदम लास्ट में लिखते हैं, जिसमें कई बार कैंडिडेट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑल इंडिया एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ तेलंगाना स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वही फॉर्म भर सकते हैं, जो अभी पास आउट हुए आप लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, जो पहले के पास आउट कैंडिडेट्स हैं वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल रखी गई है, मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 31st of October 2024 को ये चीज़ कैलकुलेट की जाएगी। ओबीसी को 3 साल, एससीएसटी को 5 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल की छूट मिल जाती है। इनकेस ऑफ पीडब्ल्यूडी ओबीसी हैं तो 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससीएसटी हैं तो 15 साल की एज लिमिट में छूट मिल जाएगी। 1 साल की अप्रेंटिसिप होगी, सबसे अच्छी बात है कि अप्रेंटिसिप आपकी नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, अगले साल अक्टूबर में आपका अप्रेंटिसिप कंप्लीट हो जाएगा, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा जिस तरह से रेलवे या अन्य जगहों पे आपका टाइम वेस्ट होता है। इस अप्रेंटिसिप का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा उसे भी आगे चर्चा करेंगे। आईटीआई आपका एनसीवीटी से होना चाहिए तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। सिलेक्शन आपका मेरिट के बेसिस पे होगा, आईटीआई के नंबर के आधार पे होगा। 70% सीट्स गवर्नमेंट आईटीआई के स्टूडेंट्स से फिल की जाएंगी और 30% सीट्स यहाँ पर प्राइवेट आईटीआई के स्टूडेंट्स के थ्रू फिल की जाएंगी। 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर यहाँ पे डेट होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, उसके लिए आपको हैदराबाद ही जाना पड़ेगा ईसीआईएल के जो आपका कॉर्पोरेट लर्निंग और डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हैं पूरी कंडीशंस। इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आपको apprenticeindia.gov.in पर रजिस्टर्ड होना है, उसके बाद आपको ईसीआईएल की वेबसाइट पे आके करंट जॉब ओपनिंग में जाके फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उसे अपने पास सुरक्षित रख लेना है। ठीक है, बात करते हैं इस अप्रेंटिसिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। इंपॉर्टेंट डेट हमने पहले ही बता दी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं आप लोग भर सकते हैं। और इस अप्रेंटिसिप का बेनिफिट जो आपको मिलेगा, देखिए इस समय अगर आप आईटीआई करके अप्रेंटिसिप करते हैं तो जो आपका अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट होता है नेशनल अप्रेंटिसिप सर्टिफिकेट वो बराबर होता है किसके, 1 ईयर के एक्सपीरियंस के। तो 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होगा ये। एंड इन फ्यूचर ईसीआईएल में अगर वैकेंसी आती है टेक्नीशियन की आती है, कई बार इसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उसमें आप लोग एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। एंड कई बार इसमें जो वैकेंसी आती हैं परमानेंट जॉब की भी, वहाँ पे भी अप्रेंटिसिप को कुछ वेटेज मिल जाता है। साथ ही साथ अन्य कई ऐसी नौकरी आती हैं जिसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसिप मांगा जाता है, तो ऐसी जगहों पर ये अप्रेंटिसिप करके आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ग्रुप डी में इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस अप्रेंटिसिप का बेनिफिट आपको सिर्फ अदर जॉब्स जहाँ पर अप्रेंटिसिप मांगा जाए या ईसीआईएल की वैकेंसी में ही मिल सकता है, बाकी जगहों पर नहीं। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप तेलंगाना से हैं तो पहले तो एक बार कमेंट कीजिएगा कि आप लोग तेलंगाना में ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर आप यहां से करना चाहते हैं अप्रेंटिसिप तो फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको मिल जाएगा चैनल पे, आप लोग वहां से
ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।